स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हमने 16 तक कंप्लीट किया था. नाउ इन दिस वीडियो 17 to 24. ओके, अभी आज हम कल के सारे वीडियो में 24 तक करेंगे. नेक्स्ट हमारा पीरियड आएगा जब, तब बाकी के जो भी एमसीक्यूज है उसके वीडियो में सेंड करूंगी. 24 तक आपकी नोटबुक में आपको कंप्लीट करना है, लिखना है, वीडियो वॉच करना है, समझना भी है. ओके, नाउ 70. चूहे शब्द का एक वचन लिखो. मैंने अभी बताया था आपको लास्ट वीडियो में, सिंगुलर प्लूरल. ओके, यहाँ पे चूहे, चूहा एक, और चूहे बहुवचन. सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन, जिसमें एक से ज्यादा चीज, प्राणी, पशु या वस्तु हो या इंसान हो. ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन चूहा. ओके, अभी सेकंड ऑप्शन चूहिया. चूहिया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा, वो तो जेंडर चेंज हो गया. ओके, चूहे एंड चूहा. देखो, चूहे का चूहा ऑप्शन बराबर है. चूहे का चूहा, चूहा तो चूहे रहेगा नहीं, चूहिया तो जेंडर हो जाएगा. यहाँ चूहा दो ऑप्शन दिया है, बट एक में छोटी यू की मात्रा है, दूसरे में बड़ी यू. तो यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा वाला सही ऑप्शन है, ऑप्शन वन इज ट्रू, चूहा. ओके, नाउ सेकंड, बिल्ली की आवाज बताइए. बिल्ली की आवाज कैसी होती है? काऊ काऊ, नो. काऊ काऊ तो कौवे की होती है. भौ भौ, नो. भौ भौ तो डॉग की होती है. म्याओ म्याओ, यस. म्याओ म्याओ इज अ ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर. टम टम, टम टम तो तोता बोलता है, तो बिल्ली की आवाज होती है. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, म्याओ म्याओ. नाउ 19, पक्षी के घर को डैश करते हैं. पक्षी जिसमें रहता है उसे. ऑप्शन 1 गुफा, ऑप्शन 2 घर, ऑप्शन 3 घोंसला, ऑप्शन 4 बिल. ओके, गुफा मींस के मैंने आपको बताया था आगे के वीडियो में. घर मींस होम हाउस, घोंसला मींस नेस्ट, एंड बिल मीन्स होल. तो पक्षी किस में रहते हैं? नेस्ट में, मीन्स घोसला. ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, घोसला. नाउ 20, हमें किसी के डैश को भूलना नहीं चाहिए. स्टूडेंट्स, अगर किसी ने हम पे एहसान किया है, उपकार किया है, तो हमें उसके उपकार को कभी भी भूलना नहीं चाहिए. ओके, यहाँ पे अपकार. ओके, सेकंड ऑप्शन उपकार. अपकार मतलब किसी ने हमें धोखा दिया या हमने उसको एहसान किया, बट हमें जब जरूरत पड़ी तो उसने हमें मदद नहीं की, तो वो हमें भूल जाना चाहिए. उसको हमारी वापस जब जरूरत पड़े तब हमें उसकी मदद करनी चाहिए. उपकार मतलब किसी ने हम पे उपकार किया हो. ओके, अपमान मतलब इंसल्ट की हो किसी ने हमारी प्रेम. ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उपकार. अगर आपकी किसी ने मदद की है तो उसका ये एहसान कभी भी भूलना नहीं चाहिए. जब भी उसको आपकी जरूरत हो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, उपकार. नाउ नेक्स्ट, शेर ने चूहे का डैश किया. ओके, धन्यवाद. शेर ने चूहे का धन्यवाद किया, आभार मीन्स थैंक्स किया. दोनों, ओके, दोनों और एक भी नहीं. अभी इसमें एक भी नहीं तो हो नहीं सकता. धन्यवाद, आभार सेम ही है. ओके, थैंक यू, थैंक्स. तो चूहे ने शेर का धन्यवाद और आभार दोनों किया, तो दोनों. यहाँ पे आंसर इज दोनों. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज दोनों. नाउ 22, ताजमहल शब्द संज्ञा. यहाँ पे ताजमहल शब्द दिया है, वर्ड दिया है. ओके, संज्ञा का प्रकार बताइए, कौन सी संज्ञा है. ओके, नाउन मीन्स प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है समूहवाचक संज्ञा मीन्स ग्रुप में जो होता है वो, जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन, जो एक ही चीज को बोलो तो सारे आ जाते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसमें फीलिंग बताई गई हो. ओके, तो यहाँ पे ताजमहल वो एक ही है. स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाम को, जो कोई भी चीज एक ही हो और जो नाम भी हो तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. जैसे मेरा खुद का नाम, आपका नाम, ताजमहल, सन, मून, गंगा नदी, और होली बुक,
जो वो सारे है वो है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे ताजमहल दिया है तो प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके नाउ 23, हमें कौन जगाता है, ये पोएम का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पोएम में हमें आके कौन जगाता है, तो पवन, सेकंड ऑप्शन दोस्त, थर्ड ऑप्शन पहाड़, फोर्थ ऑप्शन नदी। तो हमें पवन आके जगाता है। ओके नाउ 24, शेर क्या कर रहा था, शेर क्या कर रहा था। वैसे भी शेर पूरा दिन क्या कर रहा था, सो रहा था। ऑप्शन वन सो रहा था, ऑप्शन टू नाच रहा था, ऑप्शन थ्री खा रहा था, ऑप्शन फोर भाग रहा था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सो रहा था, शेर पूरा दिन सोता ही रहता था। जो हमारी वो स्टोरी में शेर है वो बहुत लेजी है और वो पूरा दिन सोता ही रहता था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट 24 तक आपको 21 डेट करके 24 तक आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पीरियड में मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। ओके जय स्वामीनाथ।